preparation of Ankil Alliance. Now this is quite interesting topic. क्योंकि ये प्रिपरेशन है, उसमें काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है. ठीक है, चल देखते हैं फिर से. तो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल अलायंस में हम लोग क्या करेंगे, वी विल हैव एन आइडिया अबाउट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द हाइड्रोकार्बन. ठीक है, जब हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस किया था, तो और जब हमने डेफिनेशन भी देखी थी, दैट इज ऑफ हैलो अल्किन की डेफिनेशन देखी थी, तो हमने क्या बताया था कि अल्केन में से अगर आप एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो हैलोजन से, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द हैलो अल्केन. देखो डेफिनेशन में ही एक रिएक्शन है, इज इट ओके? क्या कर दिया, अल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हैलोजन से. तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज द वेरी फर्स्ट प्रिपरेशन, जिसे हम कह सकते हैं दैट इज फ्रॉम अल्केन. ठीक है, तो अल्केन में से हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा एंड कन्वर्टेड इनटू द एच. तो इसके लिए हमें करना यह होगा कि इस अल्केन को किसी हैलोजन के साथ में रिएक्ट करना होगा, है ना. और किसी हैलोजन के साथ में अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं, तो नेचुरली द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, हैलोजिनेशन भी कह सकते हैं उसको. ठीक है, या फिर इसे दूसरी टर्म से भी कह सकते हैं कि अगर किसी पार्ट को मॉलिक्यूल में किसी पार्ट को अगर हैलोजन से रिप्लेस किया जाता है, तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, हैलोजिनेशन. ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो फ्रॉम अल्केन उसका हमें क्या करना होता है, हैलोजिनेशन करना होता है. तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि CH4. देखो ये मैंने डेफिनेशन में भी बताया था आपको, CH4, what is the name for this compound? It is methane. और इसका क्या करेंगे हम लोग, हैलोजिनेशन करना है, तो I will try to react it with what, chlorine. ठीक है, ये मैंने ले लिया क्लोरीन, और ये क्लोरीन मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूँ किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में. तो होगा क्या यहाँ पे, देखो CH4 और Cl2 की जब रिएक्शन होगी, तो वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द CH4 गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय वन ऑफ द क्लोरीन. देखो एक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा, एक ही क्लोरीन रिप्लेस करेगा. ठीक है, तो इस हिसाब से ये प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, CH3Cl, और ये बनेगा HCl. तो इसका नाम हम लोग कैसे देंगे, देखो हमारे पास में अल्किल हलाइड है, इस तरह से भी नाम दे सकते हैं, या फिर हेलो अल्केन इस तरह से भी नाम दे सकते हैं, हेलो अल्केन, या फिर अल्किल हलाइड के हिसाब से ये क्या रहेगा, मिथिल क्लोराइड. ठीक है, तो ये एक रिएक्शन बन जाती है. जैसे कि देखो यहां पर हमने क्या कर दिया, हैलोजिनेशन कर दिया अल्केन का, ये तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, दैट इज ऑफ मिथेन का अगर मैंने क्लोरीनेशन कर दिया तो क्या बन गया है, मिथिल क्लोराइड बन गया. किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में. देखो हमने बेसिक में ये डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग कहीं पर भी HNU, सनलाइट, परऑक्साइड, इस तरह की जब रिएजेंट्स यूज करते हैं, इसका जब प्रेजेंस होता है, तो जनरली वी हैव नोटिफाई दैट पर्टिकुलर रिएक्शन एज द मैकेनिज्म विल बी कैरिड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दैट इज ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म. ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा वाला मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा. लेकिन हमने ये भी एक प्रॉब्लम बताया था उसमें, जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो यहाँ पे जनरली ऐसा होता है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. ठीक है, हमने तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट लिख लिया, लेकिन जनरली होता ये है कि जब अगर हम लोग इसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगर कहते हैं, तो नेचुरली इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि इसमें जितना भी आप सपोज क्लोरीन यूज कर रहे हो, CH4 में कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, 4 है, तो आपको एक प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा. हर बार क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएगा एंड प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इन टू द नेक्स्ट वन लाइक दिस. जैसे मैंने यहाँ पे और एक बार समझो Cl2 की रिएक्शन कर ली, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए मुझे, CH2Cl2 प्लस HCl. और एक बार क्लोरीन की रिएक्शन कर ली, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CHCl3 प्लस HCl. और एक बार कर ली क्लोरीन से रिएक्शन, तो ये मिलेगा CCl4 प्लस HCl. दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस रिएक्शन एक्चुअली, कि जब भी हम लोग किसी मीथेन को रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ में, तो हमें एक प्रोडक्ट भी मिलता है, दैट इज अगेन इट इज गिविंग अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट और अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट. जैसे देखो अब क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी हम लोग बता सकते हैं, इसमें कितने हैलोजन है, एक ही है, तो ये क्यों बन गया मोनो हैलाइड. इसमें कितने है? देखो दो हैलोजन है, Cl2, ये डायहैलाइड बन गया. ये 3 है, तो इसे हमने ट्राइहैलाइड. देखो मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था स्पेसिफिकली, ये फॉर्मूला किसे रिप्रेजेंट करता है, CHX3 को रिप्रेजेंट करता है ना. So that is why we generally it is having what name as a halo form. तो ये कौन बन गया, ये तो क्लोरीन वाला है, तो क्लोरीन वाला हेलो फॉर्म क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज
क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और ये वाला लास्ट वाला बनता है CCl4। अब आगे इसका मैं क्लोरीनेशन करता हूं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ही बाकी नहीं है। यहाँ पे चार थे, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं है। तो ये रिएक्शन अब आगे नहीं जाएगी। लेकिन ये रिएक्शन हो कैसे रही है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, और दैट इज व्हाई इट डजंट गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, इट विल गोज विद व्हाट, अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन बनती है, दैट इज व्हाट, इसे हम लोग कह सकते हैं। देखो जैसे हैलोजिनेशन में हमने क्या यूज कर लिया, क्लोरीन, तो हैलोजिनेशन के टर्म में इसको हम लोग नाम क्या दे सकते हैं, क्लोरीनेशन, है ना। और अल्केन में हमने क्या ले लिया, मिथेन, तो ये क्या बन गया, क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन, है ना। तो इसे हम लोग इस तरह से भी बता सकते हैं, दैट व्हाट एग्जैक्टली द रिएक्शन इट इज, इट इज द क्लोरीनेशन। या फिर मैं इसे इस यहां पर लिख लेता हूं, एरो पे लिख लेता हूं, दैट इज क्लोरीनेशन, ठीक है ना। तो ये बन गया टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें, ठीक है, क्लोरीनेशन बन गया। अब अगर हम लोग ब्रोमिनेशन करते हैं, तो ब्रोमिनेशन का प्रॉब्लम ये है कि ब्रोमिनेशन जनरली हम सनलाइट के प्रेजेंस में वगैरह नहीं करते हैं, उसके लिए एक रिएजेंट यूज करते हैं, FeBr3, ठीक है। तो अगर समझो मेरे पास में इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनता है, दैट इज ऑफ CH3, और मैं अगर इसका ब्रोमिनेशन कर लेता हूं, ठीक है, ये रिएक्शन लगा है, ठीक है। तो CH3+Br2, तो इसका प्रेजेंस क्या रहेगा, FeBr3 के प्रेजेंस में अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन कर लेता हूं, तो यहां पे क्या होगा, CH3CH2Br, राइट। अब ये रिएक्शन ये वाली रिएक्शन फ्री रेडिकल से नहीं हो रही है, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये वाला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, इसे हम लोग कह सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। लेकिन यहां पर जो रिएक्शन होने वाली है, ये रिएक्शन कौन से होने वाली है, देखो यहां पर FeBr3 का काम क्या रहेगा, जब Br2 हम लोग FeBr3 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहां पे जनरेट होता है Br+ और FeBr4-, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे कौन रिप्लेस कर रहा है, Br+ रिप्लेस कर रहा है। तो Br+ अगर H को रिप्लेस करेगा, तो HB कैसा चाहिए, H+ चाहिए। तो नेचुरली पॉजिटिव पार्ट रिप्लेसेस द पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव पार्ट को रिप्लेस करता है, तो पॉजिटिव पार्ट को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, वी जनरली कॉल इट एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो निकलेगा उसमें Br अटैच हो जाएगा, वहां पर जहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से होती है, ठीक है। तो ये FeBr3 का काम होता है, जहां पर वो क्या जनरेट करके देता है, Br+ जनरेट करके देता है। इसे हम लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, लेविस एसिड भी कह सकते हैं, या फिर इसे दूसरा नाम दिया जाता है, हैलोजन कैरियर, ठीक है। अब हैलोजन क्या कहते हैं, तो लेविस एसिड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज ऑफ लेविस एसिड, और दूसरा इसका नाम दिया जाता है हैलोजन कैरियर। ये जनरली हैलोजिनेशन के रिएक्शंस में यूज किया जाता है। तो ये दो रिएक्शंस बनती है, जब हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं तो क्या प्रेजेंस लगेगा, सनलाइट, और जब ब्रोमिनेशन करेंगे तो कौन सा प्रेजेंस लगेगा, FeBr3। और दोनों में हो क्या रहा है कि अल्केन में से हाइड्रोजन को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बाय द हैलोजन, ठीक है। इसका प्रॉब्लम पता चल गया, ये सनलाइट या परऑक्साइड के प्रेजेंस में कर दिया तो फ्री रेडिकल है, तो एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एंड दैट इज ऑफ दिस वन। चलो इसका नाम बताओ ना, अल्किल हैलाइड, है ना। अल्किल हैलाइड के हिसाब से अल्क क्या बना इसका, दो कार्बन के हिसाब से ये क्या बन गया, इथिल बन गया, ठीक है। और इसको हैलाइड मतलब ब्रोमीन अटैच है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, ब्रोमाइड, दैट इज कंसीडर्ड एज अ इथिल ब्रोमाइड। और ये हमने एक रॉ मटेरियल में क्या ले लिया था, इथेन, ये इथेन है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो ये सेम रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन में अल्केन में भी डिस्कस की थी, राइट, ठीक है। सो आई होप यू रिमेम्बर दैट, कि अल्केन में हमने ये दोनों रिएक्शन डिस्कस की थी। चलो ठीक है, हम लोग अब दूसरे टॉपिक इसमें जाते हैं, प्रिपरेशन में। दूसरे प्रिपरेशन में हमारे पास में एक हमने अभी ले लिया अल्केन, तो अल्केन ले लिया, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ट्राई करते हैं, तो सेकेंड वाला कौन रहेगा, फ्रॉम अल्कीन, ठीक है। ये अल्कीन से हम लोग ट्राई करेंगे अभी, अल्कीन से कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूं कि आपको करना क्या है, ठीक है। देखो ये अल्कीन है, और अल्कीन को आपको कन्वर्ट करना है हेलो अल्केन में, समझ में आ रहा है। देखो आपका टारगेट क्या है, अल्कीन को आपको कन्वर्ट करना है हेलो अल्केन में, चलो ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंसेस देख लो, यहाँ पे क्या है ENE, यहाँ पे क्या है ANE। तो सबसे पहले होने वाला क्या है,
ईएनई का कन्वर्शन एएनई में होने वाला है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो कन्वर्शन है वो होने वाला है सैचुरेटेड कंपाउंड में। इसका मतलब ये होने वाला है कि जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। यहां तक ठीक है, पक्का? ठीक है। सो देखो फिर से एक बार मैंने ये क्लियर कर दिया आपको करना क्या है। अल्किन से आपको हेलो अल्के, देखो अल्किल हैलाइड का है तो हम लोग इसे दूसरा नाम क्या देते हैं, हेलो अल्किन तो कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्लियर हो जाता है जब हम लोग इस तरह से कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा पिक्चर तो क्लियर हो गया कि मुझे ईएनई को कन्वर्ट करना है एएनई में, मतलब जब भी मैं डबल बॉन्ड उसमें अल्किन में देखता हूं तो अल्किन का डबल बॉन्ड कैसे कन्वर्ट होना चाहिए सिंगल बॉन्ड। चलो ठीक है, एक बार रिवाइज करो कि हमने बेसिक में क्या सीखा था। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन सीखी थी, उसमें चार रिएक्शन थी, एक थी एडिशन, एक थी एलिमिनेशन, एक थी सब्स्टिट्यूशन और एक नेक्स्ट थी रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन, बराबर है। उसमें से अब हम लोग इसमें कौन सी टाइप की रिएक्शन बिठा सकते हैं, देखो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल में हो रहा है, मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा, है ना। जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम लोग सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। चलो ये एक बात क्लियर हो गई। उसके बाद में इफ सपोज दूसरी चीज आपको ये करनी होती है कि सिंगल बॉन्ड में तो आपने कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड वो कन्वर्ट कर दिया, दूसरा आपको उसमें अटैच करना होता है हैलोजन। अब अगर समझो सपोज मैंने इस तरह से कंपाउंड ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आपने इसमें एक X अटैच कर दिया, ठीक है, एक X अगर अटैच कर दिया तो ये मैंने सपोज कंसीडर कर लिया कि ये सिंगल बॉन्ड बन गया और इन दोनों में से किसी एक कार्बन को क्या हो गया, एक्स को अटैच हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरा कार्बन जो है उसकी एक वैलेंसी बाकी है, तो फिर दूसरे कार्बन को भी एक्स अटैच करना है क्या। अगर मैंने एक्स टू ले लिया तो ये, इसको अगर मैंने एक्स अटैच कर दिया तो ये मैं हेलो अल्केन नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, हेलो अल्केन बता भी दिया उसको लेकिन ये डाई हेलो अल्केन बन जाएगा। हमें क्या बनाना है, हेलो अल्केन, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, ये वाला आर एक्स, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि उसमें सिर्फ कितना हैलोजन होगा, एक ही होगा। तो नेचुरली आई एम एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे दो हैलोजन की तो एडिशन होगी नहीं, एक ही हैलोजन की एडिशन होगी, एक ही हैलोजन दो में से किसी एक कार्बन को अटैच होगा, तो नेचुरली फिर व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ द नेक्स्ट कार्बन, सो इट मस्ट बी गेट सैटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन ओनली। ये देखो एच एक्स, अगर मैंने यहाँ पे एक्स अटैच कर दिया और यहाँ पे मैंने एच अटैच कर दिया तो ये देखो, ये इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, देखो ये सी एच कितना बन गया, सी एच कितना बना, 3, 2 and 1, ठीक है, सी एच 3 और इसको कौन अटैच है, सी एच 2 और उसको कौन अटैच है, एक्स अटैच है, तो ये क्या बन गया, परफेक्टली आर एक्स वाला बन गया। इसका मतलब ये क्या बना, हेलो अल्केन बन गया, कहने आ रहा है, ठीक है, फाइन। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हमारे पास में ये क्लियर हो जाता है कि जब भी हम अल्किन को हेलो अल्केन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन की एडिशन करना जरूरी है, और इसका मतलब ये हुआ कि एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन मिला के बनाते हैं हेलो एसिड्स, ठीक है। और ये हेलो एसिड्स में कौन कौन आ सकता है, HCl आ सकता है, HBr आ सकता है और HIV आ सकता है, हेलो एसिड्स में HF भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग जब हेलो एसिड्स कंसीडर करते हैं तो वी जनरली डू नॉट हैव अ रिएक्शन विद HF, वी जनरली हैव अ रिएक्शन विद व्हाट, HCl HBr एंड HF। चलो इसमें भी हम लोग अगर कंसीडर कर लेते हैं दैट इज HCl HBr एंड HF, तो इन तीनों में से किसी एक को ऐड करके हम लोग क्या बना सकते हैं, हेलो एसिड्स बना सकते हैं, ठीक है। सो यहां तक तो मैंने पिक्चर क्लियर कर दिया आपका कि आपको करना ये होगा कि अल्किन में अब किसकी एडिशन करनी होगी, HX, HX की एडिशन करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हेलो अल्केन मिल जाएगा, मतलब क्या बनेगा, RX यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से लिखते हैं, ओके, एग्जाम्पल अगर लिखते हैं तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन या इथिलीन, है ना। उसके बाद में इसमें मैंने एडिशन करनी किसकी, HBr की, तो एडिशन HBr की करनी, तो एडिशन करना है तो नेचुरली डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू द सिंगल, हर कार्बन की क्या होगी, एक एक वैलेंसी ओपन हो जाएगी, एक के साथ कौन अटैच होगा H और दूसरे के साथ कौन अटैच होगा Br। तो देखो इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन कि इथीन में मैंने HBr की एडिशन कर ली तो यहाँ पे क्या बन गया, दैट इज ऑफ CH3CH2Br बन गया। लेकिन ठीक है, देखो क्या होता है, अल्किन में जब हम लोग एडिशन करते हैं
एल्केन में जब HCl के एडिशन करना है तो हमें कुछ कंडीशंस मेंटेन करनी होती है, क्योंकि HCl का बॉन्ड कंपेयर टू द HBr जो होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। तो HBr से HCl का बॉन्ड शॉर्ट होता है, और HI के साथ में अगर हम लोग रिएक्शन करके देखते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि HI के साथ में रिएक्शन वो रिवर्सिबल फॉर्म में आ जाती है। तो इसीलिए जनरली जब हम लोग हैलो अल्केन्स बनाते हैं फ्रॉम अल्कीन तो वी जनरली हैव द एडिशन ऑफ HBr। HBr कोई दिक्कत नहीं देता, HBr सीधा सीधा रिएक्शन देता है। HCl का प्रॉब्लम क्या बताया, शॉर्ट बॉन्ड होने की वजह से, और HI का प्रॉब्लम क्या बताया, जब HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन से I2 जनरेट होता है। सो दैट इज व्हाई वी जनरली डू नॉट हैव अ रिएक्शन विद HCl एंड HI। सो ये एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पे कि हम लोग अब एडिशन जब भी अल्कीन में करेंगे तो मोस्टली इट इज ऑफ HBr के एडिशन करेंगे, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान में आ गया आपकी अल्कीन को हेलो अल्कीन में कैसे कन्वर्ट कर लिया, HBr की एडिशन हमने अल्कीन में कर ली तो यहाँ पे हमारे पास हेलो अल्कीन बन गया। लेकिन इसमें दो टाइप्स की रिएक्शन आती है। अब दो टाइप्स की रिएक्शन किसके बेसिस पे आती है, तो ये अल्कीन के बेसिस पे ही दो टाइप्स की रिएक्शन आती है। देखो मैं दो टाइप्स लिखता हूं, एक जो अल्कीन होता है जिसे हम लोग सिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं, ठीक है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन होता है, और दूसरा जो होता है नेचुरली इट इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या हो गया, इसे हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पर डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में उसके दो इक्वल पार्ट्स बन जाए। जैसे कि अगर समझो फॉर एग्जांपल ये ले लिया, दैट इज ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, या फिर दूसरा एग्जांपल एक सिंपल सा ले लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो इसमें मैंने अगर यहां पर ब्रेकिंग कर लिया है ना, तो ये कैसे बनता है, ये सिमेट्रिकल बनता है। यहाँ पे अगर ब्रेकिंग कर लिया तो ये क्या बनता है, सिमेट्रिकल बनता है। लेकिन अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, देखो एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग प्रोपीन ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया मैंने, ये अल्कीन ले लिया, तो इसे हम लोग सिमेट्रिकल नहीं कह सकते क्योंकि दैट हैज नॉट बीन टेकन एज अ सिमेट्रिकल वन, बिकॉज ऑफ बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में दो इक्वल फ्रैगमेंट्स या फिर इक्वल हाउस नहीं बन पाते। चलो ठीक है, तो ये बिकॉज ऑफ अल्कीन हमारे पास में दो होने की वजह से दो टाइप्स की रिएक्शन बन जाती है, एक बनती है विद द सिमेट्रिकल अल्कीन और विद द अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और दोनों में हमें क्या करना होता है, फ्रॉम अल्कीन में हमें करना ये होगा कि वी हैव टू गो फॉर दिस वन, मैं यही पे लिख लेता हूं ताकि जब भी आप उसको पढ़ो तो यही पे ध्यान में आ जाए कि अल्कीन के साथ जब भी हम लोग हेलो अल्कीन बनाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे, एडिशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली HBr करना है, ठीक है। तो यहां पे जब मैं HBr की एडिशन कर लेता हूं, देखो यही पे रिएक्शन लिख लेता हूं, फिर अभी जब HBr की एडिशन करूंगा तो इट्स वेरी सिंपल, आप कैसे भी एडिशन कर लो आपको मिलने वाला प्रोडक्ट एक ही जैसा होगा। सो वी विल डायरेक्टली गो विद द रिएक्शन दैट इज ऑफ CH3CH2 देन आफ्टरवर्ड CH दिस इज व्हाट Br एंड दैट इज ऑफ CH2, ठीक है। इसमें भी मैंने अगर HBr की एडिशन कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सीधी एडिशन होगी, कहीं पर भी अटैच कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। So it will goes with the CH2 and that is of Br, ठीक है। जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान में आ गया कि जब भी हमारे पास में सिमेट्रिकल अल्कीन रहेगा और उसमें जब हम लोग HBr की एडिशन करेंगे तो हमें एडिशन करते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप Br इसे अटैच कर लो, इसे अटैच कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, व्हाटएवर द प्रोडक्ट इट इज अ सेम, ठीक है। कैसे देखो, जैसे अगर सपोज यहां पर जब हम लोग इसके एडिशन करते हैं तो यहां पर मैंने समझो Br यहां पे अटैच कर दिया, कौन सा वाला, ये कार्बन, इसको भी मैंने अटैच कर लिया, तो यहां पे ये प्रोडक्ट इस तरह से दिखाई देगा, देखो दैट इज ऑफ Br देन CH2 एंड दैट इज ऑफ CH3, इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों के नाम देते हैं तो इसका नाम IUPAC में क्या बनेगा, देखो IUPAC सिस्टम हमने ये बेसिक में सब कुछ हुआ है, सो वी विल गो विद दिस वन डायरेक्टली, बताओ मुझे ये नाम क्या बताएगा, That is of 2-bromo, 1, 2, 3, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, मतलब ये क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, है ना, 2-bromo ब्यूटेन। इसमें देख लो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन आनी चाहिए, तो ये बनता है 1 and 2, तो ये भी क्या बना, 2-bromo, फिर से 4 कार्बन है, तो ये भी क्या बना, ब्यूटेन ही बना, देखो प्रोडक्ट का नाम एक ही है, ओके, ठीक है। सो ये बन गया 2-bromo ब्यूटेन, सो देयर इज नो प्रॉब्लम हाउ यू एडेड दैट इज HBr वेदर टू व्हाटएवर द कार्बन इट इज, ठीक है। So that is about the symmetrical alkene. ये symmetrical alkene के बारे में हम लोग बता सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया। ये symmetrical alkene है। अब हम लोग जाएंगे कहाँ पर? Unsymmetrical alkenes में। चलो इसे discuss करते हैं।
अब जैसे मैंने बताया कि अनसिमेट्रिकल अल्किन का नेचर जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो अनसिमेट्रिकल अल्किन जो होगा, अनसिमेट्रिकल अल्किन, इसमें हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, HBr ऐड करने वाले, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो तो डिफाइन करेंगे हम लोग बाद में। चलो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पे, दैट इज ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या ले लिया, HBr ले लिया, ठीक है। और जब मैं यहां पे प्रोडक्ट लिखूंगा तो ठीक है, हम लोग एक कंसिडर करते हैं सिर्फ, अभी फिलहाल हम लोग कंक्लूजन पे नहीं आते, कंसिडर करते हैं एक बार इस पे, इस तरह से मतलब इन द सेंस, ये Br को मैंने यहाँ पे अटैच करके देखा, ये Br को यहाँ पे अटैच करके देखा, तो यहाँ पे मेरे पास में ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए। कैसे, देखो CH3 देन CH2 देन CH2 देन Br, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 देन CH, दिस इज ऑफ Br एंड देन CH3। अब मुझे डिफाइन करना होगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादातर बन सकता है, मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा रहेगी, है ना। सो ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे देखो, जब ये HBr इसमें ऐड हो रहा, तो वी हैव जनरली डन विद दिस वन, ये डेल पॉजिटिव रहेगा और ये डेल निगेटिव रहेगा, ठीक है। प्रेजेंस तो अभी तक दिया नहीं है, सो दैट इज ऑफ HBr में, HBr की रिएक्शन जब हम इसमें करेंगे तो जनरली होता ये है, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के हिसाब से ये होगा कि जब HBr इसमें ऐड होगा तो फर्स्ट स्टेप में H+ पहले अटैक करेगा, कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, कार्बोकैटायन जनरेट करने के बाद में फिर डिफाइन होगा कि कौन सा वाला प्रोडक्ट ज्यादातर बनेगा, ठीक है। इसे हम लोग एक मैकेनिज्म के तौर पर देख लेते हैं, ठीक है। देखो मैकेनिज्म में होगा ये कि दो स्टेप में ये मोस्टली हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। स्टेप वन में क्या करेंगे हम लोग, पहले HBr को ब्रेक कर लेते हैं, HBr को मैंने ब्रेक कर दिया, सपोज H पॉजिटिव एंड देन Br निगेटिव, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि पहले कौन अटैक करेगा, H+ अटैक करके पहले कौन बनाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो जैसे कि अगर समझो हमारे पास में CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और इस पे मैंने H+ का अटैक कर लिया, ठीक है। अब पहले स्टेप में मैंने अगर H+ का अटैक कर लिया तो ये H+ इसके साथ भी अटैच हो सकता है, इसके साथ भी अटैच हो सकता है, जिसके साथ H+ अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो H+ ने इस पे अटैचमेंट या फिर अटैक कर दिया, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, H+ ने जब इस पे अटैक कर दिया ये डबल बॉन्ड पे, तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा कि इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव बनता है तो ही H+ इसके साथ अटैच होगा, बराबर है। और इन द रिवर्स फैशन अगर H+ इसके साथ अटैच होता है तो इस पे कौन सा चार्ज चाहिए, निगेटिव, और इस पे कौन सा चाहिए, पॉजिटिव। चलो ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में ये दो प्रोडक्ट्स पॉसिबली बन सकते हैं, कौन से वाले, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। चलो ठीक है, इस पे मैंने किसका अटैक कर लिया, H+ का अटैक कर लिया, H+ का अटैक जब किया तो मेरे पास में दो पॉसिबल प्रोडक्ट बन रहे थे, और दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर मैं इस तरह से लिखता हूं, पहले H ने इस पे अटैक कर दिया, बाद में H ने इस पे अटैक कर दिया, सो इट इज लाइक CH3CH2, ठीक है, कैसे भी ले लो नो प्रॉब्लम, CH3। तो ये यहां पर क्या बनेगा, देखो जिसने इस पे अटैक कर दिया तो CH2 का क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल, और ये निगेटिव है तो नेचुरली ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन गया। यहां पर देख लो CH3 दैट इज ऑफ CH2, और ये CH2 बना और ये बना पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ये बताता है कि यहाँ पे जनरली कार्बोकैटायन पहले जनरेट किया जाएगा, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आगे चल के प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ठीक है। तो H+ का हमने पॉसिबली अटैक देख लिया, ये दोनों कार्बन को कार्बोकैटायन में पॉसिबली ब्रेक कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन हमारे पास में बने हैं, मैं यहाँ पे कॉमनली लिख लेता हूँ कि यहाँ पे जो बने हैं वो कौन है, कार्बोकैटायन है, लेकिन दोनों कार्बोकैटायन अलग अलग है। जैसे हमने बताया था कि कार्बन को अगर एक कार्बन अटैच होता है तो प्राइमरी, ठीक है। तो कार्बोकैटायन में भी वही चीज हम लोग फॉलो करेंगे कि जैसे कि ये कार्बोकैटायन में ये कार्बन को कितने कार्बन अटैच है, एक ही है, पर इसे मैं कौन सा कार्बोकैटायन बना सकता हूँ, बता सकता हूँ, प्राइमरी कार्बोकैटायन बता सकता हूँ, ठीक है। इसमें ये कार्बन को कितने कार्बन अटैच है, ये कार्बन के लिए, ठीक है, ये तो दो है, तो इसीलिए इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, दैट इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। अब आता है स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। देखो बेसिकली होता यह है कि जैसे बेसिक में हमने बताया था कि सी पॉजिटिव मतलब कार्बोकैटायन जो होता है, ये सी पॉजिटिव तब बनता है, पॉजिटिव चार्ज तब बनता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो इसका मतलब ये सी पॉजिटिव या फिर ये सी पॉजिटिव कब बना होगा, व्हेन दिस कार्बन लूजेस इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तब जाके वो उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन टेट्राहेड्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। अब अगर हमें इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो ये सी पॉजिटिव स्टेबल कब होगा, वो स्टेबल तभी हो पाएगा जब पर्टिकुलर ये कार्बन कैटायन को उसके एडजेसेंट पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो गए। ठीक है, तो ये देखो ये CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सैचुरेटेड है तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, ये CH2 को जो अटैच है ये CH2 है, ठीक है ना, ये CH3 नहीं है, इसको डायरेक्टली अटैच कौन है, CH2 है। तो नेचुरली इसे डायरेक्टली अटैच दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ पे सपोज CH2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये C पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू दिस वन। और वैसे भी हमारे पास में जो ऑर्डर है फॉर द C पॉजिटिव, इसमें टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू सेकेंडरी कंपेयर टू द प्राइमरी, ये क्या होती है स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है। तो ये अगर हमें पता है तो इतना कंपेरिजन करने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। देखो डायरेक्टली आप बता सकते हो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू द प्राइमरी, सो नेचुरली इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में यही बनेगा और ये अगर बन जाता है तो नेचुरली नेक्स्ट स्टेप में जो बाकी है कौन इसका अटैक बाकी है, बी आर निगेटिव का अटैक बाकी है। तो बी आर निगेटिव जब अटैक करेगा तो नेचुरली यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज ऑफ सी एस थ्री सी एच, दिस इज ऑफ बी आर एंड दैट इज वॉट सी एस थ्री, ये भी बन सकता है व्हाट एग्जैक्टली सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू एंड दिस इज ऑफ बी आर, है ना, ये भी बन सकता है। तो ये जब बनेगा दैट इज ऑफ सी एस थ्री सी एच बी आर सी एस थ्री या सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर, ये जब बनेगा तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल बनता है। ये ध्यान में आ गया, देखो इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखो क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनिंग हो सकता है कि अगर आपके पास में अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, पहली बात कौन सी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, और उस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब हम लोग किसकी एडिशन करेंगे, HBr की एडिशन करेंगे, तो HBr की एडिशन करते वक्त वहां पे सबसे पहले इंटरमीडिएट में कौन जनरेट होगा, C पॉजिटिव जनरेट होगा और जो C पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा वही किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ओके ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे हमने ये तो देख लिया। तो ये एक्चुअली एक रूल फॉलो कर रहा है, ये रूल इस तरह से फॉलो कर रहा है कि जब भी हमारे पास में इस तरह का एडिशन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास में इसमें अगर हम लोग देख लेते हैं तो देखो यहाँ पे जो निगेटिव पार्ट है, इसका जो निगेटिव पार्ट होता है ना, ये निगेटिव पार्ट जब हम लोग इसमें अटैच करेंगे तो ये निगेटिव पार्ट कहाँ जाकर अटैच होगा ताकि वो स्टेबल प्रोडक्ट बन जाए, ये सेकेंड वाले कार्बन को। ठीक है, अब अनसिमेट्रिकल में अगर हम लोग कंसीडर भी कर लेते हैं तो जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर जनरली एक कार्बन जो होता है इट इज हैविंग अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और दूसरा जो कार्बन होता है उसमें क्या होता है, उसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। मतलब दोनों में अगर कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पर एक कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन है, एक में कम होता है। ठीक है, सो अगर हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, ठीक है, डायरेक्टली जब डिफाइन करना है जब भी हम लोग HBr की इसमें एडिशन करेंगे तो एक रूल बताया गया है एंड द रूल इट इज जनरली नोन एज मार्कोनिकोफ्स रूल। ठीक है, द नेम ऑफ द रूल इट इज ऑफ मार्कोनिकोफ्स रूल। अभी जो मार्कोनिकोफ्स रूल है, ये मार्कोनिकोफ्स रूल क्या बताता है, देखो ये रूल इस तरह से हम लोग इसे डिफाइन कर लेते हैं ताकि ये फाइनली हो जाए कि इसमें रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो क्या होता है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ठीक है, जिसे मैंने क्या कर दिया, ये कह दिया मैंने रिएजेंट और ये आपका कौन है अनसिमेट्रिकल कौन है अल्कीन है। ठीक है, और इसमें दोनों की आप क्या करने वाले हो, एडिशन करने वाले हो। ठीक है, तो व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एड्स टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, अब इस रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल कैसे कह दिया, देखो इसमें जब ब्रेकिंग करेंगे तो एक क्या बनेगा H+ बनेगा, दूसरा क्या बनेगा Br बनेगा, Br इन द सेंस Br निगेटिव बनेगा ना, H+ बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा Br निगेटिव बन जाएगा। तो यहां पर
H प्लस और Br निगेटिव जो है they are actually dissociated in terms of different ions and that is why they are considered as a unsymmetrical reagents. ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं. हमने क्या कर दिया, इन दोनों के एडिशन तो मैंने इस तरह से लिख लिया, when unsymmetrical reagent adds to the unsymmetrical alkene, तो उसमें हुआ ये कि that is the negative part of किसका reagent का. ठीक है, किसका चाहिए reagent का, मतलब कौन सा वाला, Br negative, तो negative part of the reagent get attach to that unsaturated carbon which carry lesser number of hydrogen atoms. देखो ये बन गया स्टेटमेंट. ठीक है, क्या हो गया, when unsymmetrical reagent adds to the unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent मतलब कौन, Br negative, get attached to that particular carbon atom. कौन सा वाला carbon atom, कौन सा वाला कार्बन आइटम चाहिए हमें, अनसेचुरेटेड कार्बन आइटम चाहिए. जो अनसेचुरेटेड कार्बन जिसको क्या होने वाला है, विच कैरी द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, जिसको कौन अटैच होने वाला है, Br निगेटिव अटैच होने वाला है. ओके, ठीक है, देखो फिर से एक बार ये नोट कर लो. कर लिया, ठीक है, तो इफ आई टेक द सेकेंड एग्जाम्पल, देखो इसमें ही मैं अगर सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूं और यही स्टेटमेंट हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो इट मस्ट बी, इट इज लाइक दिस. देखो कैसे, इट इज CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, और इसमें मैंने अगर HBr की एडिशन कर ली, सो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्राई करो, प्रोडक्ट क्या बनेगा एज पर द स्टेटमेंट, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, इसमें ये बनता है डेल पॉजिटिव, ये क्या बनेगा डेल निगेटिव. हमने क्या बताया, जब निगेटिव पार्ट किसको अटैच होगा, दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच कैरी व्हाट लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया, देखो CH3CH2CH Br एंड दैट इज ऑफ CH3. क्या नाम बना उसका, इसका नाम बनता है दैट इज 2-bromo-butane. ठीक है, इस तरह से ये बहुत ही सिंपल रूल है, लेकिन ध्यान में तो रखना पड़ेगा क्योंकि जब भी क्वेश्चनिंग होगा तो क्वेश्चनिंग में आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, और इन दोनों की जब भी एडिशन होती है तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है. देखो मैकेनिज्म भी हमने देख लिया था, मैकेनिज्म में हमारे पास में हमने कौन से बेसिस पे बताया, ऑन द बेसिस ऑफ सी पॉजिटिव, जो सी पॉजिटिव स्टेबल होगा That will be converted into the product. तो हर बार तो mechanism नहीं लिखेंगे हम लोग, एक बार हमने लिख लिया, एक बार समझ लिया, तो हम इसमें भी बता सकते हैं कि देखो अगर मैंने ये C positive consider कर लिया तो ये कौन सा बना primary, ये C positive consider कर लिया तो ये कौन सा बना secondary, तो इन दोनों में से कौन सा वाला stable रहेगा secondary, तो secondary C positive है, तो C positive को कौन attach होगा, Br negative, so naturally media वाला जो product रहेगा वो कौन सा रहेगा, that is of 2-bromo-butane, that is a simplified way. ठीक है, तो ये एक रूल होता है, लेकिन इसमें और एक दूसरा भी है, जैसे कि अब इसमें कोई प्रेजेंस नहीं है, देखो यहाँ पे मैंने कोई प्रेजेंस नहीं लिखा है, लेकिन अगर यही रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में कर लेते हैं, दैट इज ऑफ परोक्साइड. देखो ये दूसरा एक रिएक्शन दिया है उन्होंने कि अगर यही रिएक्शन आपने किसमें कर ली, इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, तो ये जो रूल है ये पूरा का पूरा कैसे हो जाता है, एंटीमॉर्फोनिक ऑफ, है ना, जो चीज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन को अटैच होने वाली थी, कार्बन को अटैच होने वाली थी, वही चीज Br निगेटिव किसको जाके अटैच होगी, हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैरिंग कार्बन को, बस इतना ही है, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, क्या कर लिया, देखो मैंने अनसिमेट्रिकल अल्कीन में HBr की एडिशन करना है, वही चीज करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, प्रेजेंस दे दिया, किसका, परोक्साइड का प्रेजेंस दे दिया, और जैसे ही वहां पे परोक्साइड आया, अब परोक्साइड आया तो मैंने अभी बताया था, परोक्साइड आएगा तो फिर से कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म रहेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रहेगा, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब रहेगा तो नेचुरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से मिलने वाला प्रोडक्ट कुछ अलग होगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो है नहीं, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्यों नहीं, क्योंकि इसमें तो जो डिसोसिएशन हो रहा है वो डिसोसिएशन हेटेरोलिटिकली हो रहा है, मतलब एक पॉजिटिव बन रहा है, एक निगेटिव बन रहा है, लाइक दिस. ठीक है, तो लेकिन परोक्साइड में ऐसा नहीं होगा, परोक्साइड में होमोलिटिक ब्रेकिंग होगा, रेडिकल बनेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल वो प्रोडक्ट बनाएगा,
तो जनरली परोक्साइड के प्रेजेंस में ये चीज क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म। एंड देन परोक्साइड के प्रेजेंस में जब हम लोग सेम प्रोसेस करते हैं तो इसे जनरली कहा जाता है एंटी मॉर्फोनिक ऑफ रूल। तो एंटी मॉर्फोनिक ऑफ रूल में क्या होगा, तो यही स्टेटमेंट रहेगा, सिर्फ मैं ये चेंज करूंगा कि यहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, हाइयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बस हो गया। जैसे कि अगर समझो यही चीज मैंने परोक्साइड के प्रेजेंस में कर ली, ठीक है, इसी रिएक्शन को मैं अगर परोक्साइड के प्रेजेंस में करता हूं तो परोक्साइड के प्रेजेंस में होगा ये कि यहाँ पर इसका जो निगेटिव पार्ट जनरली हम लोग जो कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट उसको निगेटिव पार्ट कंसीडर करो, हालांकि मैकेनिज्म कौन सा होने वाला है, फ्री रेडिकल। तो ध्यान में रखने के लिए इसका जो निगेटिव पार्ट होता है वो जनरली ऐसे कार्बन को अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे रहेंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड दैट इज ऑफ बीआर, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका नाम क्या बना, वन ब्रोमो ब्यूटेन, देखो एज पर द पोजिशन दैट बिकम्स वन ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, सो दैट बिकम्स वन ब्रोमो ब्यूटेन, फाइन, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन हो गए हमारे पास में, एक बन गई है अनसिमेट्रिकल अल्किन में जब हम लोग HBr की एडिशन करते हैं विदाउट प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, विदाउट प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, तो जनरली जो निगेटिव पार्ट होता है वो कहां अटैच होगा, हाइयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैरिंग कार्बन के साथ में अटैच होगा। और वही अगर वही रिएक्शन हम लोग परोक्साइड के प्रेजेंस में कर लेते हैं, देखो एक ही तो डिफरेंस है, प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, अब्सेंस ऑफ परोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड में हाइयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन है वो उसके साथ में वो अटैच होगा, और परोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा, सॉरी परोक्साइड के अब्सेंस में क्या होगा, जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कैसा है, कम है, वहां पर अटैच होगा उस कार्बन को, जहां पर परोक्साइड का प्रेजेंस है वहां पर वो कहां अटैच होगा, जहां पर हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर वो कार्बन है वहां पर वो अटैच होगा, ठीक है। तो यहां पर ये दो रिएक्शंस बनती है, दैट इज एडिशन ऑफ HBr इन द अनसिमेट्रिकल अल्किन, चलो ठीक है, दोनों को मैं एक साथ लिख के बताता हूं और उसमें कुछ नाम भी दिए हैं तो वो भी नाम हम लोग नोट करके लिखते हैं। जैसे मेरे पास अगर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और मैं इसमें HBr की एडिशन करता हूं, ठीक है, विदाउट एनी प्रेजेंस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, तो यहाँ पे ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, MF रूल फॉलो करेगा, और यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करेगा, एंटी मॉर्फोनिक ऑफ रूल फॉलो करेगा। चलो लिखो फटाक से, या प्रोडक्ट लिखो, लिखो प्रोडक्ट लिखो, क्या बनेंगे प्रोडक्ट, मॉर्फोनिक ऑफ रूल में क्या होने वाला है, निगेटिव पार्ट, ये डेल पॉजिटिव और ये डेल निगेटिव है, कहा जाएगा निगेटिव पार्ट, बराबर, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बना आपका, CH3CH Br एंड CH3, नाम क्या बना उसका, 2-bromo-propane, ठीक है। इसमें इसके अपोजिट, ये पहले यहां पे अटैच हो रहा था, अब यहां पे अटैच हो जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3CH2CH2Br, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट, 1-bromo, ठीक है। अब इसी रूल को मैं थोड़े दूसरे भी नाम देता हूं, दैट इज एंटी मॉर्फोनिक ऑफ रूल को दूसरा एक और एक बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ परोक्साइड इफेक्ट, ठीक है, परोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है इसे, और एक नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज खरश इफेक्ट, ठीक है, और एक एडिशनली एक है, इट इज कॉल्ड एज खरश मायो इफेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों तीनों नाम ध्यान में रखो, क्योंकि हो सकता है कि एमसीक्यूज में इस पे से कोई आ जाए, तो दैट इज व्हाटएवर इट इज एंटी मॉर्फोनिक ऑफ रूल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज लाइक दिस, या फिर एरो पे अगर खरश रूल या खरश इफेक्ट अगर दे दिया तो डोंट फॉरगेट अबाउट दिस वन, की खरश इफेक्ट मतलब ही कौन सा रूल होता है, एंटी मॉर्फोनिक ऑफ रूल ही होता है, एंड इट इज वेरी सिंपलर फॉर दिस वन, इज दैट ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन फाइनली हमारे पास में कंक्लूजन तो बहुत सिंपल है कि जब मॉर्फोनिक ऑफ रूल फॉलो करेंगे तो प्रेजेंस किसका नहीं रहेगा, परोक्साइड का, जब एंटी मॉर्फोनिक ऑफ रूल फॉलो करेंगे तो तब कब करना है,
तभी करना है जब उसमें प्रेजेंस किसका रहेगा, परऑक्साइड का रहेगा, ठीक है। जब मॉर्फोलॉजिकल प्रोफाइल फॉलो करेंगे तो निगेटिव पार्ट लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैरिंग कार्बन के साथ में, एंटी मॉर्फोलॉजिकल प्रोफाइल फॉलो करेंगे तो वही निगेटिव पार्ट किसके साथ जाएगा, हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैरिंग कार्बन के साथ में, और इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई परऑक्साइड वगैरह नहीं है, यहाँ पे परऑक्साइड है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है एंटी मॉर्फोलॉजिकल ऑफ रूल। और यहाँ पे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे पहले अटैक किसका होता है, H+ का होता है, तो उस हिसाब से ध्यान में रखो कि H+ का जब अटैक होता है तो इस हिसाब से इसमें एडिशन जो होती है वो पहली स्टेप जो होती है वो स्लो स्टेप होती है। उस हिसाब से भी हम लोग बता सकते हैं H+ का जब अटैचमेंट होगा तो इट इज जनरली कंसिडर्ड एज अ इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के साथ में रिएक्शन। कौन कौन से, अल्केन का हैलोजिनेशन और अल्कीन के साथ में एच बी आर की एडिशन बाय मॉर्फोनिक ऑफ एंड एंटी मॉर्फोनिक ऑफ, और वो तभी फॉलो करना है जब आपके पास में अल्कीन कैसा होगा, अल्कीन होगा अनसिमेट्रिकल। अगर वो सिमेट्रिकल है तो उसके लिए कोई रूल नहीं है, सीधी तरह से आप उसमें क्या कर सकते हो, अटैचमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो देन आफ्टरवर्ड्स वी विल गो देयर, हाइड्रोकार्बन तो हो गए, अब हम लोग एक काम करते हैं, वी विल गो विद द नेक्स्ट वन दैट इज कंसीडर्ड फ्रॉम अल्कोहल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन है, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतनी ही है, ठीक है। अब देखो अल्कोहल से आप लोग क्या बनाने वाले हो, हेलो अल्केन। चलो एक बार फिर से इस तरह से लिख के देखते हैं, अल्कीन एंड हेलो अल्केन लाइक दिस, ठीक है। तो ये मेरे पास में रॉ मटेरियल कौन है, अल्कोहल है, और इसे मैं क्या बनाऊंगा, हेलो अल्केन बनाऊंगा। देखो अल्केन बना रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेलो अल्केन जब बनेगा तो अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो तो रहेगा नहीं, है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आर ओ एच है तो ये क्या में कन्वर्ट हो रहा है, आर एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, यहां से ओ एच माइनस निकल जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने बताया था ये क्या होता है, डेल पॉजिटिव, ये क्या होता है, डेल नेगेटिव होता है। यहाँ पे ये क्या रहेगा, डेल पॉजिटिव, ये क्या रहेगा, डेल नेगेटिव। तो ये R के साथ पहले कौन था, OH, फिर उसके बाद में कौन आ गया, X आ गया। OH पे कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है, एक्स पे भी कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो निगेटिव चार्ज ने निगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये सिंपली रिएक्शन कौन सी बनती है, देखो निगेटिव चार्ज है मतलब वो कौन बना, न्यूक्लियोफिलिक, और ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूशन। देखो यही पे पता चल जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, है ना। अगर हम लोग चार्जेस अच्छे तरह से दे दे तो वही पता चल जाता है कि वो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या बन जाती है। तो OH निगेटिव को कौन रिप्लेस करने वाला है, एक्स निगेटिव रिप्लेस करने वाला है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं, सो वी विल हैव अ दैट इज अ ट्रैक फॉर दिस रिएक्शन। द वेरी फर्स्ट वन वी कैन गो फॉर दिस वन, कि हम लोग हेलो एसिड्स के साथ में फिर से एक बार रिएक्शन करके देखते हैं, ठीक है।